ये दाता हुकम के जन्मदिन के खातिर सबने मिलके किया, इन युवाओं ने, हमारे स्वाभिमानियों ने सबने मिलके ये रक्तदान शिविर रखा है और बाड़मेर में रखा है, बालोतरा में रखा है, अपने जैसलमेर, शेरगढ़ और झालावाड़ में भी रखा है। कितने युवाओं ने रक्तदान किया यहाँ पर? तो करीब 200 का रजिस्ट्रेशन का, 200 से ज़्यादा का, 200 का। और वहाँ पर भी मुझे खबर है झालावाड़ की भी कि करीब 100-150 करीब युवाओं का। क्या संदेश देना चाहेंगे आप रक्तदान के? देखिए, ये रक्तदान भी बहुत बड़ा महान दान है और जो भी युवा भाइयों ने दिया है तो एक बहुत बड़ा दान किया, क्योंकि रक्त की अपने कई हॉस्पिटल्स में ज़रूरत पड़ती रहती है, आए दिन ज़रूरत पड़ती रहती है आजकल हर बीमारी में या कोई एक्सीडेंट में, तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा दान है ये। तो मैं उनका, सब युवाओं का और सब भाइयों ने जिन्होंने भी रक्तदान दिया है उनका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू। एक जसवंत जी का स्वास्थ्य पिछले लंबे समय से ठीक नहीं है, तो क्या इन सब युवाओं ने जो रक्तदान किया है उसके एक जसवंत जी स्वास्थ्य को लेकर भी भावना की? इसीलिए उसी भावना से इन्होंने किया है, जैसे रक्तदान किया है, कई लोग अभी कंबल भी बांट रहे हैं, मेरे पास ये भी मैसेज आया है, कोई लोग ऊनी कपड़े वगैरह का दान कर रहे हैं, तो ये जी पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। जैसे अजमेर में कोई हैं वकील, वो सुंदरकांड का पाठ रखे हुए हैं, तो सब भावनाओं से जुड़े हुए हैं और मैं उन सभी को मेरे बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इतना मान सम्मान दिया और अभी तक लोग जुड़े हुए हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी स्वाभिमानियों को कि अभी तक जो ये रक्तदान भी हुआ, आगे पहले भी ये जो अपना इलेक्शन हुआ चुनाव में भी जोर से इन्होंने मेहनत करी अपने दिल से और जुड़े रहे स्वाभिमान से, इसीलिए बाड़मेर में हमें इतनी सीटें प्राप्त हुई और उसके बाद भी भावनाओं से जुड़े रहे, तो युवाओं ने मुझे फ़ोन किया कि हम रक्तदान शिविर रखना चाहते हैं, तो ये सब उनका दिल से जुड़ने की बात है। और दाता हुकम की तरफ से पहले आप यहाँ कैंपेन कर रहे थे और आपका एक मात्र ध्येय था कि राजस्थान से वसुंधरा को उखाड़ फेंकना है जी, तो क्या आप सफल रहे? आगामी आपका क्या रहेगा राजनीतिक तौर पे? देखिए, वसुंधरा जी की सरकार को तो उखाड़ के फेंक दिया है और आगे भी हम यही कोशिश करते रहेंगे कि स्वाभिमान अमर रहे और स्वाभिमान की लड़ाई चलती रहेगी लोकसभा में भी, तो और हमारे सभी स्वाभिमानी जुड़े हुए हैं, उन सब की भी यही है कि लोकसभा में भी हम ये स्वाभिमान की लड़ाई आगे लेके चलेंगे। आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। थैंक यू।